तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं पूरी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और आपको मेरे ये सभी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों जगह मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट थिंग इज, आप लोगों के लिए छोटी सी खुशखबरी है, वो ये कि मैं अपनी जो मोबाइल ऐप है उस पर आप लोगों के लिए 1 मंथ फ्री क्लासेस चला रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो उनका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी मोबाइल ऐप पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का फ्रेंड जो क्वेश्चन है, दैट्स रिलेटेड टू मैकेनिकल वाइब्रेशंस, रिलेटेड टू द टॉपिक डी एम्बर्ट प्रिंसिपल। ये पूछा गया था गेट 2015 में सेट 3 में वॉट 2 मार्क्स, और जैसा कि गेट की प्रॉब्लम्स के साथ होता है, इट वॉज रियली अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, फिगर शोज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मासलेस रिजिड बार ओ पी हिंज्ड एट ओ एंड मास एम एट एंड पी, द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ सिस्टम इज, ठीक है। तो डायग्राम हमें ये दे रखा था, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक ये रॉड आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो कि हिंज्ड है अपने लेफ्ट एंड पर, और उसके राइट एंड पर जुड़ा हुआ है एक मास एम, और बीच में जो मिड पॉइंट है वहां पर एक स्प्रिंग की मदद से रूफ से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये डायग्राम था। अब अगर आप इस मास को थोड़ा सा नीचे खींचेंगे तो छोड़ देंगे, देन द सिस्टम इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू होगा। आपको सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी है, और मतलब फॉर्मूले की फॉर्मेशन को देख के, जो ऑप्शंस की फॉर्मुलेशन है उसे देख के हमें क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि हमें जो आंसर है वो साइकल्स पर सेकेंड यानी हर्ट्ज में निकालना है, ठीक है। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्या चीज़ है, हम इस प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट गेट में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके अंदर मतलब आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है, ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स डी एम्बर्ट प्रिंसिपल लगा के सॉल्व हो जाती हैं। एंड इट सिंपली सेज दैट डी एम्बर्ट प्रिंसिपल जो वो सिंपली ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एंड इनर्शिया फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो। अब जहाँ पर मतलब आपके पास पिक्चर में कहीं रोटेशन आ रही है, जैसे एंगुलर वाइब्रेशन आपको मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एंड द टॉर्क्स एंड इनर्शिया टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनकी वजह से मोमेंट जो लग रहा होगा, जो टॉर्क लग रहे हैं और जो इनर्शिया टॉर्क लग रहा होता है, उसका जो सबका सम होता है, दैट्स इक्वल टू जीरो। और ये चीज़ मैं अपने पिछले लेक्चर्स में भी, पिछले जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कुछ सॉल्व करवाए हैं उसमें बता चुका हूँ कि जो मोमेंट होता है फोर्सेस का, वो आपको किस पॉइंट के अबाउट निकालना होता है, वो आपको निकालना होता है अबाउट द हिंज, उस पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट के अबाउट वाइब्रेशन हो रही है, अबाउट द आई सेंटर, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट के अबाउट वाइब्रेशन हो रहा है, जो हिंज है, जैसे रोलिंग की प्रॉब्लम्स होती है उसमें जो आई सेंटर होता है, तो उसके अबाउट आपको सभी फोर्सेस का मूवमेंट कंसिडर करना होता है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल आपको मतलब देखने को कभी मिल नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका निकालेंगे इनर्शिया टॉर्क हम निकालेंगे, ठीक है। अब इनर्शिया टॉर्क उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय थीटा डबल डॉट। थीटा क्या है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा डॉट, थीटा का जो फर्स्ट डेरिवेटिव दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, और जो थीटा का सेकेंड डेरिवेटिव है दैट विल बी अवर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सो आई आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अवर सिस्टम। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो सिर्फ एक यहाँ पर यह मास है जो हिंज से, जो हमारा हिंज है उससे 2a डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट विल बी मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सो दैट विल बी 4a स्क्वायर m, ये चीज 4a स्क्वायर m, ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। 4a स्क्वायर m मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस हिसाब से आई थीटा डबल डॉट ये क्या आ गया, 4a स्क्वायर m थीटा डबल डॉट, ये चीज समझ आ गए यहां तक आपको, ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमने इनर्शिया टॉर्क हमने निकाले, इसमें भी एक मतलब झोल है यहां पर, हमने इसकी डायरेक्शन हमने आप बताई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब जैसे आप इसे नीचे खींचोगे और छोड़ोगे, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पर सपोज कीजिए इसकी जो लोकेशन है जो रॉड की, वो कुछ इस प्रकार हमें मतलब नजर आ रही है, ठीक है। एंड दिस इज एंगल, ये एंगल क्या है, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। तो जब आपको मतलब एंगल थीटा की वैल्यू जब आप दोगे, मतलब एनीथिंग, मतलब 5 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, तो आपके ना माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार
10 डिग्री बोला है, 10 डिग्री नीचे है या 10 डिग्री ऊपर है, ठीक है। सो वी हैव टू डिफाइन कि मतलब एक साइड हम पॉजिटिव ले लेंगे, एक साइड हम नेगेटिव ले लेंगे। तो हम क्या ले रहे हैं, हम थीटा को मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले रहे हैं थीटा को, ठीक है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव लिए। जैसे आप मतलब यहाँ पर जैसे लाइन पे ओरिजिन होता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपने मतलब जो पॉजिटिव एक्स है, नेगेटिव साइड पे नेगेटिव एक्स है, तो आप डिफाइन करते हो। उसी तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि नीचे की तरफ जब जा रहा है हमारा सिस्टम तो हमने थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ली है। और उसी तरह से हम जो एंगुलर वेलोसिटी है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उन दोनों को भी हम नीचे की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हैं, क्लॉकवाइज। ये चीज आप समझ रहे हैं, यहाँ ये वाला एंड तो वही रहेगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन में घूम रहा है, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो हमने ये डिफाइन किया कि जो एक्सेलरेशन इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप जानते हो कि जो इनर्शियल टॉर्क होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एज अ रिजल्ट जो इनर्शियल टॉर्क होगा दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आई थीटा डबल डॉट ये किस डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द हिंज। ये चीज आपको यहां तक समझ आ रही, ठीक है। तो अब ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां पर हम ये आ गए यहां पर, ठीक है। तो अब हमने इनर्शियल टॉर्क वाला हमने स्टडी कर लिया। अब देखिए इस पूरे सिस्टम पे एक ही फोर्स लग रही है। अब अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, अगर आपने मेरा मैकेनिकल वाइब्रेशन का कोर्स देखा है, मतलब वो फ्री भी अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे 3 free videos, 6 free videos पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। उसमें भी सारा मतलब समराइज हो रहा है उसके अंदर। और फुल कोर्स जो है वो मेरी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, वो भी अगर आप 1 month फ्री क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आप उसे एसेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आई रिकमेंड कि आप एक बार पूरा कोर्स देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने फुल कोर्स देख रखा है, नहीं भी देख रखा है तो मैं बता देता हूँ कि जो वेट होता है वाइब्रेशन के दौरान, जो वेट होता है हम उसे जनरली नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सिस्टम स्टेशनरी था, जब वाइब्रेट नहीं कर रहा था, वेट तो तब भी लग रहा था, तो उसे कौन बैलेंस कर रहा था, उसे बैलेंस कर रही थी इस स्प्रिंग की फोर्स। इस स्प्रिंग में पहले से कुछ खिंचाव, कुछ टेंशन थी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही, तो ये स्प्रिंग फोर्स यहां पर ऑलरेडी पहले से एक लग रही थी जो हमारे उस वेट को बैलेंस कर रही थी, ठीक है ना। यहां पर हिंज पे कुछ रिएक्शंस लग रहे होंगे जो उस वेट को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। सो वेट इज ऑलरेडी बैलेंस, वाइब्रेशन के शुरू होने से पहले वो बैलेंस था, तो आपको उसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आप करते हो फिर आपको सब कुछ कंसिडर करना होगा, ठीक है। वेट को बैलेंस करने वाली स्प्रिंग फोर्स यहां पर, और जो हिंज पे जो मतलब रिएक्शंस लग रहे होंगे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एक्स की तो चलो जरूरत नहीं, वाई डायरेक्शन में, आपको उन्हें भी कंसिडर करना होगा, तब बात बनेगी, ठीक है। तो ओके, तो अब यहां पर क्या चीज है, अब हमें यहां पर स्प्रिंग फोर्स निकालनी है कि स्प्रिंग फोर्स कितनी है, एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, वो बच्चों का खेल है, ठीक है। नाउ दिस इज लेंथ ए, ये लेंथ हमें ए दे रखी है, ये लेंथ हमें ए दे रखी है, मतलब फुल लेंथ 2a, दिस हाफ लेंथ इज ए, दिस हाफ लेंथ इज ए, फुल लेंथ है 2a, ठीक है। गौर करने वाली बात यह कि मैंने जो एंगल थीटा है वो बहुत ज्यादा बनाया है ताकि आपको बोर्ड पे क्लियरली नजर आए, पर मतलब क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं है थीटा वैल्यू, इट इज ऑलवेज रियली वेरी स्मॉल। जो थीटा की वैल्यू है वो हमेशा ही बहुत कम होती है, ठीक है, इट्स नेग्लिजिबल, तभी SHM का केस बनेगा, नहीं तो SHM का केस बनेगा ही, ठीक है। तो यहां पर आइए डिफ्लेक्शन देखते हैं, डिफ्लेक्शन कितना है ये वाला, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, इट इज सिंपली ए मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ये डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, इट इज सिंपली ए मल्टीप्लाइड बाय एंगल थीटा, ठीक है। डिफ्लेक्शन आ गए, तो स्प्रिंग की स्टिफनेस है के, ठीक है, डिफ्लेक्शन है या स्प्रिंग का एक्सटेंशन, ये देर हमने ए थीटा निकाला है, तो इस हिसाब से स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, दैट विल बी के ए थीटा, दैट विल बी के ए थीटा। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है यहां तक, ठीक है। अब ये स्प्रिंग फोर्स आपने निकाल लिया, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स क्या है, अब हमें हिंज के ऊपर उसका टॉर्क निकालना है, इट इज सिंपली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय ए, ये चीज, तो ये क्या आ गया, स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, जो मोमेंट लग रहा है, ये वो आ गया, ठीक है। तो ये आ गया के ए स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमने ये क्या आ गया, ये आ गया स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो मोमेंट लग रहा है, ये हमने वो निकाल लिया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, डीएमबर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, सम ऑफ All the moments and torques and inertia torque is equal to zero, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू नोट कर लेता हूं मैं यहां पर, के
ए स्क्वायर थीटा, ये मैंने नोट कर लिया, ठीक है। तो हमारा इनर्शिया टॉर्क क्या आ गया, इट इज 4 ए स्क्वायर एम थीटा डबल टॉक, ठीक है, प्लस के ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस हिसाब से थीटा डबल डॉट प्लस के ए स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर एम थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो थीटा डबल डॉट प्लस के बाय 4 एम, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे हमारी एसएचएम की क्वेश्चन से, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो क्लियरली पता चल रहा है कि ओमेगा नेचुरल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इट इज के बाय 4 एम, इट इज के बाय 4 एम, समझ आ गए। तो इस हिसाब से हमने वैल्यू क्या निकाल ली है, ओमेगा नेचुरल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय 4 एम, ये चीज। पर हमें क्या निकालना है, हमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी है हर्ट्स के अंदर, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, सो दैट्स बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई, एक सेकेंड में आप कितने रेडियंस घूमोगे डिवाइडेड बाय, एक सर्कल होता है 2 पाई एंगल का, सो ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाय 4 एम, स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाय 4 एम, ये चीज। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन रहा है, इट इज 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय 4 एम, समझ आ रहे। तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट पर 1 मंथ के लिए मैंने आप लोगों के लिए कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो मेरी मोबाइल ऐप पर जाके 1 मंथ फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये सभी कंसेप्ट जो है आप अपने क्लियर कर सकते हैं। अब हम जल्दी मिलेंगे अगले न्यूमेरिकल के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, कोई भी दिक्कत है आप नीचे मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।